कर चले। अहमर की फीस, घर का किराया, बिजली का बिल, सईद की मोटर बाइक, घर के लिए प्लॉट, ये काम करती हैं बैठ के ऑफिस में मिस नौशीन। I'm sorry सर, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। सुने, मुझे आपसे एक बात करनी थी। क्या? मैं हैरान हूँ, ये बात मुझे पहले जहन में आई नहीं। एकदम से आपको ये इल्हाम कहाँ से हो गया? यही नौशी और सजाद के रिश्ते की बात। क्या ख्याल है, छेड़ू बात में भाई से? देखो, ये बात तुमने मुझसे तो कर ली है, लेकिन अपने भाई से ये बात करने की गलती मत करना। क्या खराबी है मेरे सजाद में? ना किसी नशे में, ना किसी सिगरेट, ना पान, ना कोई नौकरी। बात सुनो, तुम्हारे बेटे का सबसे बड़ा ऐब जो है ना, वो उसका निकम्मापन है। अरे पहले किसी ढंग की नौकरी पे लग जाए, उसके बाद उसको रिश्ता भी मिल जाएगा। आप तो ना बस लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहते हैं मेरे साथ। जैतून बेगम, इस उम्र में मैं एक बच्चे का बाप बन चुका था। हाँ तो कर दे उसकी शादी भी, वो भी बन जाएगा बाप। कैसे कर दे? हम हाँ किसी की मासूम बच्ची को लाकर उसकी बददुआएं लें, मैं ये नहीं करने वाला। देखो, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? मैं भी कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, तुम जानती हो हम बचपन में साथ खेले हैं। मैं बस इस दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हरगिज नहीं, बचपन की दोस्ती बचपन में खत्म हो गई थी। ऐसी खत्म हो गई थी? मोहब्बत करता हूँ तुमसे। शट अप, फोन बंद मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। देखा, आ गए ना अपनी औकात पे, धमका रहे हो मुझे। यही समझ लो, मुझसे दोस्ती कर लो, फायदे में रहोगी, वरना 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 क्या? वरना पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दूंगा। बकवास कर, मुझे डराना चाहता है। कहाँ गया वाउचर? आप ही अब नाराज हैं क्या? नहीं तो मैं क्यों नाराज होंगी? वो आप वहां से उठकर आ गई तो मुझे लगा शायद आप नाराज हैं। अरे नहीं, अहमर की फीस जमा करानी ना, तो बस उसी का वाउचर ढूंढ लो, मेरी टेंशन ना लिया करो। आप ही भी कितनी तेज है ना, किसी भी तरह करके आपसे अपना काम निकलवा लेती हैं। नहीं अर्शी, वो बेचारी भी मजबूर है, बस एक दफा अहमर की पढ़ाई कंप्लीट हो जाए तो मेरी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। ये क्या चल रहा है भाई, घर आते ही ऑफिस का काम लेके बैठ गई हो? चलो उठो, खाना खाओ। नहीं अम्मी, आज ऑफिस में एक मीटिंग थी तो मैंने वहीं खाना खा लिया था, बस चाय की तलब हो रही है। तुमने अपनी बहन को चाय बना के नहीं दी अभी तक? अच्छा अम्मी, मैं अभी बना के लेकर आती हूँ। भाई शुक्र है, वो रामीन का मसला हल हुआ है, उसने सईद को फोन किया, आ रहा है उसको लेने के लिए। बस अब आप सईद भाई को बोलेगा कि वो अपनी बीवी और बच्चों के बारे में सीरियस होकर सोचे। तुम फिक्र मत करो, मैं बात करूंगी। अच्छा मैं वो पूछ रही थी बेटा कि तुमने अहमर की फीस जमा करवा दी? हाँ मैं ऑनलाइन अभी जमा कराती हूँ, बस उसी का वाउचर ढूंढ रही हूँ। अच्छा, बस अल्लाह करे ये भी अपनी जल्दी से पढ़ाई मुकम्मल करे ताकि ये तुम्हारा सहारा बन सके, तो तुम्हें भी जरा सुकून हो जाए। चलो मैं खाने का इंतजार करी, कुछ खाओ, उठो चलो, छोड़ दो चाय बाय। खामखा तुम परेशान हो रही थी, घर में पैसे थे ना, ये भी तो दे दिए उसने। इत्तेफाक से आज नौशी की कमेटी निकली, शॉपिंग में उड़ा देने थे उसने, और उसके कौन सा बच्चे हैं जो उसे इसकी जरूरत हो। वैसे आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा एक बात बताएं, इतने पैसों में बाइक आ जाएगी ना? क्यों? वो ना 2000 मुझे भी दे दें, कितने दिन हो गए मैंने नया सूट नहीं बनवाया। मेरी जान, ये पैसे भी तुम्हारे ही हैं, और हाँ याद से नौशीन का शुक्रिया अदा कर देना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अरे नौशीन बेटा,
आराम से नाश्ता करो, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? दादी अगर आराम से नाश्ता करने बैठी ना तो मेरी बस निकल जाएगी और फिर रक्षा करना पड़ता है और रक्षा वाला बहुत किराया लेता है। पैसे बचाने के लिए तुम अपनी सेहत खराब कर रही हो। आप मेरी फिक्र ना क्या करें, मैं वैसे भी कैंटीन जाके नाश्ता कर ही लेती हूँ। वो रिश्ते वाले का फोन आया था, वो लोग एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आज शाम में आ रहे हैं। अच्छा, नौशीन के लिए? अरे नहीं भाई अम्मा, नौशीन का जिक्र कहाँ से आ गया, अर्शी के लिए। मैं उसका रिश्ता करवाना चाहती हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं। ये क्या किया तुमने, मेरा नुकसान कर दिया। लेकिन अम्मी मुझे अभी शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? अम्मी सुलम तो पहले आप ही की शादी होनी चाहिए। आप ही की शादी हो जाएगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले तुम्हारी शादी हो। अर्शी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, पहले तुम्हारी शादी होगी। लेकिन आप ही मुझसे बड़ी है। तुम मेरी फिक्र मत करो, और मुझे वैसे भी शादी का कोई शौक नहीं है, तुम अभी अपनी तैयारी करो। ओके अम्मी, दादी ऑफिस के लिए चलती हूँ। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। सुन लिया आप लोगों ने, उसने शादी नहीं करनी है, उसको आप लोगों की सबसे ज्यादा फिक्र है। हमें भी उसकी फिक्र करनी चाहिए, वो इससे बड़ी है, पहले शादी उसी की होगी। अम्मा हो जाएगी शादी, कोई उसके लायक होगा मैं करा दूंगी, लेकिन वो मुझे साफ साफ कह चुकी है कि मुझे अभी इस झंझट में नहीं पड़ना। इधर आ गए, तू क्यों फिक्र कर रही है, मैं हूं ना तेरे नाल। वाह जी वाह अम्मी, बड़ी तैयारियां शैयारियां, कहीं बेटे का रिश्ता तो मांगने नहीं जा रही? तेरे मामू की तरफ जा रही हूँ, सोच रही हूँ आज अम्मा से तेरी और नौशी की बात कर ही डालूं। अम्मी मैं भी चलूं आपके साथ? रहने दे, तुझे देखते ही ना भाभी ने बेरोजगारी एक अजाबे का लेक्चर शुरू कर देना है, जैसे कि हमारे घर का राशन वही डलवाती है। तो फिर किस आस पर आप नौशी का रिश्ता मांगने जा रही है? पगले, आस पे तो दुनिया कायम है, बस तू दुआ कर कि अम्मा किसी तरह मान जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे नानी की तो बड़ी सुनी जाती है ना उस घर में। हाँ कह तो तू ठीक ही रहा है, लेकिन कभी कभार ना भाईजन के दिल में माँ की मोहब्बत बहुत जोश मार बैठती है। चले आप फिर करें उस दिन का इंतजार, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं। उम्मीद तो मुझे भी नहीं है तुझसे कोई, लुटियाई डुबोई है तूने पढ़ लिख कर हमारी, अब जो कुछ है ना मुझे ही करना है। कुछ ना किया तूने हमारे लिए, चल मैं आती हूँ। आ जाइएगा। हाँ घर पे ही रहना। तेरे नाल मनाया अखियां, अब घर में अर्शीन के रिश्ते और शादी का सिलसिला शुरू हो जाएगा, वहां भी पैसों की जरूरत पड़ेगी, कहां से होगा इंतजाम? अल्लाह रामीन के कॉल, अगर ये सब खैर हो। हेलो रामीन, कुछ चाहिए तुम्हें? सब खैरियत है ना? लो, क्या मैं तुमसे हर वक्त मांगने के लिए फोन करती हूँ? अच्छा सब खैरियत है ना? हाँ हाँ नौशी सब ठीक है। मैंने तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया है, वो तुमने मेरी बाइक का मसला हल कर दिया ना। शुक्रिया की क्या बात है, बहन हो तुम मेरी। हाँ मैं बहन हूँ, मेरा हक बनता है। वैसे ये जो शुक्रिया है ना, ये सईद की तरफ से। अच्छा मुझे ये बताओ कि बाइक कब ले रहे हो तुम लोग? बस आज ही, सईद तो थोड़ी देर में जा रहे हैं। फिर मिठाई तो बनती है, शाम को चक्कर लगाना घर में। हाँ हाँ जरूर, मैं जरूर आऊंगी शाम। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब सर आप कोई काम था मुझे बुला लिया होता, आप क्यों आ गए? जरूर बुला लेता अगर ये इंटरकॉम एंगेज ना होता। एनीवे केपी सॉफ्टवेयर की बैलेंस शीट मेरे कैबिन में ले हैं। जी सर।
फिर क्या कहा तुम्हारी बहन ने? यही कि हम लोग बाइक लेके ना शाम को चलें, और मैं तो सोच रही हूँ कि मैं अभी चली जाती हूँ, कुछ अच्छा पकवा लूंगी। हाँ, बहुत दिनों के कुछ अच्छा खाए। सीरियसली, रोज की दाल रोटी खा के ना मैं तो तंग आ गई। कभी कभी तो अम्मी के घर में दावत मिलती है। ठीक है फिर, तुम मुन्ने को लेकर अम्मा के यहाँ चली जाओ। क्यों, आप नहीं जाएंगे? मुझे दोस्त के साथ बाइक खरीदने जाना है, मैं तुम लोगों को छोड़ के चला जाऊंगा। चलें, शुक्र है, एक्स्ट्रा आमदनी तो होगी, मैं तो रोज की मांग तांग से ना थक गई। खैर, जो अल्लाह को मंजूर। क्या मतलब? हर बात का मतलब पूछे ना, बैठ जाया करो। ये क्या कह रही हो तुम? क्यों अम्मा, मैंने ऐसी कौन सी अनहोनी बात कर दी जो आप इतना हैरान परेशान हुए जा रही हैं? नहीं नहीं, ऐसी वैसी बात सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। लेकिन क्यों अम्मा, जिस घर में बेरी होती है पत्थर भी उसी घर में आते हैं। मैंने एक पत्थर फेंक दिया तो क्या हो गया? जैतून, तुम अच्छी तरह जानती हो कोई जोड़ नहीं बनता इन दोनों बच्चों का। अच्छा, ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे आपकी पोती में जिसकी मेरे सजाद में कमी है? सजाद कुछ नहीं कमाता वमाता, और किसी की बच्ची को घर में लाके मुश्किल में डालने की क्या जरूरत है? अरे अम्मा, मेरा घर कौन सा काले पानी में है जो किसी की बच्ची आएगी और मुसीबत में पड़ जाएगी? भाई, मेरा मतलब था कि वो खुद भी तो अभी बाप के खर्चे पे पल रहा है, बीवी का बोझ कैसे उठाएगा? अम्मा, जो आएगी वो अपना नसीब साथ लेकर आएगी, ये बात भी समझ आती है आपको? अच्छा छोड़े ये बातें, भाई से बात करें ना आप मेरे लिए। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं उनसे बात करने की, और वो भी अभी शादी करने के कोई मूड में नहीं है नौशीन की, वो पहले अर्शी की शादी करेंगे। अरे ये क्या कह रही हैं? पहले बड़ी की होनी चाहिए। भई वो उनकी औलाद है, जो चाहे वो करें, उनकी मर्जी। वैसे अम्मा, ज्यादती है ये भाईजान और भाभी की नौशी के साथ, मैं आपको बता रही हूँ, आप इस वक्त तो आपको बोलना चाहिए। देखो जैतून, तुम चुप करो, अगर सादिया ने सुन लिया ना तो एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। अच्छा है, सुन ले, शायद मेरी बात सुनकर ही उन्हें अपनी बेटी की बढ़ती हुई उम्र का एहसास हो जाए। अरे चुप कर, मैंने चाहती कि मेरे घर में एक झगड़ा शुरू हो जाए। अम्मा आपने ना हमेशा भाई का साथ, मैं और मेरे बच्चे आपके कभी कुछ नहीं लगते। हेलो, अलग थनक लग गया इसको। पता नहीं ये नौशीन फोन क्यों नहीं उठा रही है। काम में बिजी होंगी आप ही, क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं? बताएं क्या काम है? बताया तो था तुम्हें, वो चीजें मंगवानी है ना, लोग जो आ रहे हैं शाम में। ना, मैं ले आती हूँ। तुम क्यों जाओगी? तुम्हें देखने के लिए लोग आ रहे हैं, अब धूप में जाओगी ताकि चेहरा खराब हो जाए तुम्हारा। अच्छा पैसे दें, मैं मंगा लेती हूँ किसी से। लो फिर मंगवाओ। क्या हुआ, मूड क्यों ऑफ है आपका? जाते वक्त तो बड़ा खुश थी आप। ये सब तुम्हारी वजह से। तुम किसी काम के होते ना तो मेरी अपनी माँ इस तरह ताना ना दे रही होती मुझे। वही लगता है अंगूर खट्टे हैं। अंगूर नहीं, मेरा अपना दही खट्टा है। आखिर कब काम करेगा तू? जब किस्मत में हुआ ना तब काम करूंगा मैं। और ये वहां का गुस्सा क्या मुझ पर क्यों उतार रही है? इसलिए कि मेरी अपनी सगी माँ ने मुझे ताना दे दिया है, साफ साफ टका जवाब दे दिया है। अब ऐसी भी वो क्लियोपेट्रा नहीं है आपकी भतीजी, वैसे भी 6 महीने या साल बड़ी हुई होगी मुझसे। वही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ इन लोगों को। 2-4 साल और निकल गए ना तो उम्र के साथ साथ तनख्वाह भी बढ़ जाएगी और इस पूरे खानदान का दिमाग और मजीद खराब हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ जो करना है अभी कर लो। मैं कहता तो तू ठीक है, लगी रहूंगी पीछे, मैं छोड़ूंगी नहीं। अच्छा मुझे अपना गेम खेलने दे जरा। बस कर दे, कोई नौकरी शौकरी ढूंढ, इन्हीं गेम्स ने बर्बाद कर दिया तुझे। देखो आजकल मुल्क में काफी
political instability hui hui hai aur it is affecting our business as well. कहाँ घूमे आप? कहीं नहीं सर. मिस नौशीन, मुझे लगता है आपको इस जॉब में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है. ऐसी कोई बात नहीं है सर, मुझे इस जॉब की बहुत सख्त जरूरत है. तो फिर आप अपना काम आजकल ठीक से क्यों नहीं कर रही? इनफैक्ट ये आपकी फाइल में देख रहा था, गॉड कितनी मिस्टेक्स हैं इसमें. सर वो हीरा फाइल है, मैंने अभी फाइनल रीडिंग तैयार नहीं किया है. तो कब करेंगी आप फाइनल? सर मैं कर ही रही थी. एक्चुअली आप सिर्फ अपने रिलेटिव्स के साथ फोन पे गपशप कर रही होती हैं, काम की तरफ कम ही ध्यान होता है आपका, मैंने काफी बार नोटिस किया है. आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं अपना काम ही कर रही होती हूँ. कब करती हैं? आप सिर्फ अपने घरेलू मसाइल में लगी रहती हैं. एंड दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट. जी अब प्लीज रोना मत शुरू कर देना. लंच ब्रेक तक ये फाइल मुझे चाहिए. I'm so sorry sir, मैं फाइल ले रही थी.